यूक्रेन में फंसे हुए अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है, जिसके तहत अब अपने लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और उनकी स्वदेश वापसी हो रही है। वतन वापसी के बाद जिस तरीके से उनमें उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, उसका नज़ारा आगरा में भी देखने को मिला। आगरा की एक बेटी साक्षी, उसकी भी वतन वापसी हुई है। मेडिकल की छात्रा साक्षी ने यह बताया कि किस तरीके से उनको वहां पर डर लग रहा था और किस तरीके से भारत सरकार ने उन तक मदद पहुंचाई और उनकी वतन वापसी हुई। वतन वापसी के बाद जब वो आगरा पहुंची तो आगरा में उनका स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत भी किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि उनको किस तरीके से भारतीय जो एम्बेसी है उसने वहाँ पर मदद पहुँचाई। इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा, पर जहाँ मैं थी वहाँ थोड़ी स्थिति सामान्य थी, बट जैसे कीव है, खारकीव है, वहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान है बच्चे, इतना ज़्यादा कि उनके पास खाने को नहीं है, बेसमेंट में छुपे पड़े हैं, मेट्रो स्टेशन में। एम्बुलेंस एसोसिएशन के इनके द्वारा हमने डीएम साहब के माध्यम से गुहार लगाई तो हमारी गुहार सुनी गई और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत जल्दी इस काम को किया। किसी भी राष्ट्र ने, किसी भी देश ने अभी तक अपने बच्चों को नहीं निकाला है। हमारे पहला इंडिया है और इंडिया का फ्लैग लगा के जब ये वहाँ से निकले हैं तो कोई भी आपत्ति नहीं आई वहाँ पर।